अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको होममेड पिज़्ज़ा बताऊंगी। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बताया है कि किस तरह से बनाना है, आज मैं आपको आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। यहाँ 1/2 kg मैंने मैदा लिया है, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल लिए हैं, 1 चम्मच नमक डाला है इसके अंदर, 1 चम्मच यीस्ट डाली है इसके अंदर, और मैं इसको गर्म दूध के साथ गूँध रही हूँ। दूध से गूँधने का सिर्फ यही मकसद है कि हमारी जो डो है वो नरम रहे। बस इसके बाद मैंने इसको रख दिया 15 से 20 मिनट के लिए ताकि ये रेज हो जाए अच्छा सा। उसके बाद एक पैन में मैंने 2 चम्मच जो है तेल लिया है, तेल डालने के बाद 1 चम्मच इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा मिक्स किया है, इसके बाद 1/2 अनियन दिया है इसके अंदर, और इसको गोल्डन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा मिक्स करना है। और इसके बाद इसके अंदर मैं 1/2 kg चिकन डाल रही हूँ। चिकन की आप देखिए, मैं किचन बोल रही हूँ, चिकन की आप शेप देख लीजिए, क्यूब्स फॉर्म में डाला है मैंने, काटा हुआ है और वो डाला है इसको। इसके साथ जब चिकन का कलर चेंज हो गया, उसे पानी छोड़ दिया, देखिए मैंने इसके अंदर 1 कप मशरूम डाला है। मशरूम को पहले ही डाल देती हूँ, थोड़ा सा वो गल जाए। यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून तिक्का मसाला डाला है और 1 टेबल स्पून पपीता मसाला। मैं एक ही फ्लेवर का बना रही थी, तो पिज़्ज़ा अगर आपको 2 फ्लेवर्स चाहिए तो आप चिकन को 1/2 करके डिफरेंट फ्लेवर्स का बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाला है इसके अंदर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस गया है इसके अंदर, और 1 टेबल स्पून ही वेनेगर गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके रख देंगे ताकि चिकन जो है अच्छे से टेंडर हो जाए। इसके बाद आप देखिए चिकन का पानी सूख गया है, इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है, उसके बाद ऑरिगैनो लीव्स 1 टेबल स्पून गए हैं, उसके बाद इसके अंदर अब हम थोड़े से वेजीज डालते हैं। वेजीज 1 कप लिए थे मैंने, 1/2 कप इस स्टेज पे डाल रही हूँ, और 1/2 कप में टॉपिंग केवल डालूंगी। यहाँ मैंने 1/2 कप शिमला मिर्च ली है, 1/2 कप ऑलिव, टोमेटो, और साथ में गए थे थोड़े से प्याज। मैंने वेजीज को पकाया नहीं है, इसलिए चूल्हा बंद कर दिया है और बस इसको कवर करके रख दी। मिक्स किया है और इसको इसको पकाना नहीं है, ठीक है, वेजीज रख के पकाना नहीं है हमने। तो उसके बाद हम डो की तरफ आ जाते हैं, देखिए रेज हो गई है। अब यहाँ पे पहले मैंने स्मूथ नहीं किया था डो को, अब मैं अच्छे से गूंद लूँगी इसको, और फिर इसको हम लोग बेलना शुरू करेंगे, यानी कि रोटी इसकी बना लेंगे। इस तरह से देखिए, आप इसके चाहें तो दो बना सकते हैं, 2 1/2 पे इसको बना सकते हैं, यानी कि आधा इसको करके 2। मैं 3 में कर रही हूँ, मुझे 3 पिज़्ज़ा बनाने थे तो मैं 3 में कर रही हूँ। आप लार्ज बनाने हैं आपको तो 2 में कर सकते हैं। इस तरीके से देखें, मैंने 3 पीस किए थे इसके, और आप 2 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल रोटी की तरह इसको बेल लें। अच्छा, थिकनेस आपको तब भी हिसाब से चेक कर लीजिएगा, कितनी थिकनेस आपको रखनी है। आपको बहुत मोटा पसंद है तो मोटा रख लीजिए, अगर आपको थिन पिज़्ज़ा पसंद है तो थिन रख लीजिए। एक क्रस्ट पिज़्ज़ा होता है तो वो बहुत ही पतला होता है, किसी को वो भी पसंद होता है तो वो रख सकते हैं। यहाँ मैंने पैन में इसको स्प्रेड कर दिया अच्छे से, और थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला है क्योंकि मुझे इसकी साइड फिलिंग करनी है। साइड फिलिंग करने के लिए आप जो चीज़ क्रीम यूज़ करते हैं यहाँ पर मेरे पास चीज़ क्रीम नहीं थी, आप क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने मेयोनीज़ ऐड किया है, केचप ऐड किया है, और साथ में मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। चीज़ ऐड करने के बाद मैं इसको साइड से रोल अप कर दूँगी इस तरीके से। उसके बाद अब टॉपिंग की बारी आती है, मैं पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर रही हूँ। आप टोमेटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं, इस पर केचप भी ऐड स्प्रेड कर सकते हैं, जो मर्जी आपकी आए वो लगा देते हैं ऊपर पिज़्ज़ा के। इसके बाद टॉपिंग करी है जी, चीज़ डाली है मैंने, मतलब मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ मैं। इसके बाद जो चिकन का मिक्सचर था जो बनाया था हमने, वो सारा स्प्रेड कर दिया ऊपर, हमने ओरिगैनो लीव्स डाल दिए थोड़े से स्प्रेड कर दिए, और अब सारे वेजीज की टॉपिंग कर देंगे ऊपर। शिमला मिर्च डाल दें, प्याज डाल दें, टोमेटो डाले हैं, जिसको जो पसंद है वो डालें, जिसको जो पसंद नहीं है वो नहीं ऐड करें। यहाँ पर मैंने बेक करने के लिए रख दिया, 200°C प्री हीट किया था, 180 पे हमने 15 से 20 मिनट के लिए बनाया था।
अब मैं इसके कोशिश कर रही हूँ और हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।